Hello everyone, so now today we are going to discuss a topic of public international law. The topic is neutrality. Public international law ka aaj ek topic hai, neutrality. Aaj hum iske bare mein baat karenge. Neutrality jo word hai, ye define hua hai, Latin term ka ek word hai, neuter. Neuter ka matlab hota hai impartial. जब कोई भी कंट्री वॉर पे होती है और उनके आस पड़ोस की कंट्री या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जो उनको सपोर्ट करने लग जाती है या फिर उनका साथ देने लग जाती है वॉर में, जो पहले वॉर में नहीं थी लेकिन बाद में उनका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो वो ये जो न्यूट्रलिटी है ये उस चीज़ के लिए आती है, उस कंडीशन के लिए आता है कि जब कोई भी कंट्री वॉर पे है तो उसके आस पड़ोस की कंट्री या फिर कोई भी ऐसी कंट्री है जिनका कोई भी रिलेशन है वो उनके बीच में दखलअंदाजी नहीं करती है। सपोज़ मान लीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो चीन उसमें दखल नहीं दे, दखलअंदाजी नहीं करे, वो होगी चीन की न्यूट्रलिटी, वो इम्पार्शियल रहेगा इंडिया और पाकिस्तान के वॉर से। तो न्यूट्रलिटी न्यूट्रल वर्ड से डिफाइन हुआ है जिसका मतलब होता है इम्पार्शियलिटी। न्यूट्रलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन है कोई भी स्टेट एटीट्यूड है जो स्टेट का वो ऐसा है कि वो इम्पार्शियल है और वो जो स्टेट है वो कोई भी स्टेट की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मतलब एटीट्यूड ऑफ अ स्टेट इज इम्पार्शियल एंड द स्टेट इज नॉट टेकिंग पार्ट ऑफ इन वॉर फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी साइड ऑफ द स्टेट। मतलब जो भी दो कंट्रीज या फिर दो या दो से अधिक कंट्रीज जो भी वॉर में हैं उनमें से किसी भी स्टेट की साइड से वो जो न्यूट्रल स्टेट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इम्पार्शियलिटी है यहाँ पे किसी भी एक स्टेट की या फिर कोई भी स्टेट की जो वॉर में नहीं है। तो इसके लिए जो एसेंशियल है अगर हम बात करें तो वो ये है कि कोई भी न्यूट्रल स्टेट है तो उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो इम्पार्शियल है और उसको जो वॉर होगा उसमें उसका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। ये इसके हम डेफिनेशन से इसके एसेंशियल्स पता लगा सकते हैं। फिर इसमें आगे बात करिए कि अगर कोई न्यूट्रल स्टेट होता है और अगर वो कोई भी ऐसी कंडीशन जो न्यूट्रलिटी की है वो ब्रीच कर देता है तो उसको फिर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रलिटी जो है ये कितने टाइप्स की होती है। तो न्यूट्रलिटी होती है, एक तो होती है परमानेंट न्यूट्रलिटी या फिर इसको बोलते हैं परपेचुअल न्यूट्रलिटी। परमानेंट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी कंट्री होती है वो डिक्लेयर कर देती है कि मैं हमेशा न्यूट्रल रहूँगी चाहे किसी भी कंडीशन में किसी भी कंट्री से कोई भी वॉर हो, जब तक वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा मैं न्यूट्रल रहूँगी। तो कोई भी यहाँ पे कंट्री जो है वो ये कह रही है कि मैं हमेशा न्यूट्रल रहूंगी, मैं किसी भी कंट्री के साथ वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी जब तक कि मुझ पे कोई इफेक्ट ना पड़े उस वॉर का। अगर क्योंकि कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे अगर किसी भी स्टेट के ऊपर तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी एक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा किसी वॉर का तो वो न्यूट्रल रहेगा। तो ये होती है परमानेंट न्यूट्रलिटी। उसके बाद आता है पार्शियल न्यूट्रलिटी। पार्शियल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट का कोई एक पार्ट, कोई भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर स्टेट का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो तो न्यूट्रल है लेकिन और अदर जो पार्ट है वो न्यूट्रल नहीं है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल न्यूट्रलिटी। के कुछ तो है न्यूट्रल और कुछ न्यूट्रल नहीं है, मतलब कुछ तो तैयार है लड़ने के लिए और कुछ पार्ट कर रहे हैं और कुछ पार्ट है वो नहीं कर रहे हैं। फिर आती है एक जनरल न्यूट्रलिटी। जनरल न्यूट्रलिटी में ये हो जाता है कि फिर वो पूरा जो स्टेट है, पहले तो पार्शियल होता है, पार्शियल का मतलब कि कुछ पार्ट हो रहा है, फिर जनरल न्यूट्रलिटी में यह है कि वो पूरा स्टेट आ जाता है कि हाँ चलो हम भी इस कंडीशन में न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी कंडीशन का वॉर में साथ नहीं देंगे। फिर आता है एक वॉलेंट्री न्यूट्रलिटी। इसमें ये होता है कि डिक्लेयर करता है एक स्टेट बिना कोई ट्रीटी या बिना कोई कन्वेंशन साइन करे कि मैं न्यूट्रल रहूँगा। फिर आता है न्यूट्रलिटी वाय ट्रीटी। तो अगर कोई कोई ट्रीटी बन जाता है, कोई कन्वेंशन अगर बन जाती है कोई भी न्यूट्रलिटी के लिए, तो अगर वो कोई कंट्री है जो साइन कर देता है ऐसी कंडीशन उस कन्वेंशन को, उस ट्रीटी को, तो बन जाता है न्यूट्रलिटी बाय ट्रीटी और कन्वेंशन। फिर आता है आर्म्ड न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये है कि आर्म फोर्सेस का यूज़ होता है डिफेंस के लिए। जब कोई भी स्टेट है तो वो सिर्फ अपनी आर्म फोर्सेस का यूज़ करेगा अपने डिफेंस के लिए, तो वहाँ पे ये न्यूट्रलिटी है, स्टेट डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये आर्म्ड न्यूट्रलिटी कहलाता है। फिर आता है बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी। बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी में यह है कि मैं डायरेक्टली तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन इनडायरेक्टली आपको फेवर कर रहा हूँ किसी भी कंट्री को, या तो मैं स्पीच दे रहा हूँ किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में जो वॉर पे है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं इनडायरेक्टली किसी भी कंट्री को फेवर कर रहा हूँ, तो ये होता है बेनेवोलेंट न्यूट्रलिटी।
फिर आता है परफेक्ट न्यूट्रलिटी। परफेक्ट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि मैं एकदम क्लियर हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं कि इस इन कंट्री में कोई भी वॉर होगा, इन कंट्री का इन कंट्री से कहीं भी वॉर होगा, तो मैं हमेशा इसमें न्यूट्रल रहूंगा, मैं कभी भी इन कंट्री का साथ नहीं दूंगा। तो ये होती है परफेक्ट न्यूट्रलिटी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, जो न्यूट्रल स्टेट होता है उसकी क्या क्या ड्यूटी होती है। कोई भी अगर एक स्टेट जो न्यूट्रल है तो उसकी क्या क्या ड्यूटी रहती है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि वो अपनी कंडीशन शो कर रहा है कि मैं न्यूट्रल हूँ और उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे बात है कि एटीट्यूड ऑफ अ स्टेट वो इज इम्पार्शियल एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द वॉर फ्रॉम एनी ऑफ द साइड, किसी भी साइड से। मतलब जो कंट्रीज वॉर पे हैं, दोनों में से किसी भी कंट्री की साइड से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका उन्होंने पहले क्लियर कर दिया एटीट्यूड कि हम इम्पार्शियल हैं। अब ड्यूटीज है, पहली ड्यूटी आती है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है एब्सटेंट फ्रॉम रेंडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प टू बेलिजरेंट स्टेट। बेलिजरेंट स्टेट का मतलब होता है जो स्टेट लड़ाई कर रहे हैं या फिर युद्ध पे हैं या फिर वॉर पे हैं। दोज कंट्रीज विच आर एट वॉर आर कॉल्ड बेलिजरेंट स्टेट्स। सो एब्सटेंट फ्रॉम रेंडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प। अगर कोई भी स्टेट किसी भी दूसरी कंट्री वालों को जो वॉर पे हैं उनको एब्सटेंट करे, उनसे उनकी कोई भी हेल्प करने से मना करे, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो ये आता है एब्सटेंशन। तो ये न्यूट्रलिटी, अगर कोई कंट्री न्यूट्रल है तो उसकी ड्यूटी है कि वो एब्सटेंट रहे, उसको ये काम नहीं करना है, उसको हेल्प नहीं करनी है। दूसरी आती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि कंट्री किसी भी पर्सन को अपनी कंट्री से ऐसा नहीं कर सकती है कि उनको रिक्रूट कर दे कि आप वहाँ जाइए, उस कंट्री में वॉर हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके उनको प्रिवेंट करें। तो यहाँ पे ऐसा प्रिवेंशन वाला जो काम है, ये कंट्री पे प्रिवेंशन है कि आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आप प्रिवेंट रहेंगे। जो न्यूट्रल कंट्री उसको प्रिवेंट रहना है इस चीज़ से, वो ऐसा नहीं कर सकती अपने लोगों को रिक्रूट कर दे वहाँ के लिए या फिर प्रिपरेशन करवा दे कि आप यहाँ हमारी टेरिटरी में आके प्रिपरेशन कर लो वॉर की, या दूसरी कंट्री से ऐसा बोल दे, तो ऐसा नहीं कर सकती। तीसरा आता है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब होता है सहमति देना किसी भी चीज़ के लिए। तो एक्विसेंस का यहाँ पे ये है कि अगर कोई शिप है जिसमें कॉन्ट्राबैंड है, कॉन्ट्राबैंड मतलब कोई ऐसा सामान जो सीज हो सकता है, कोई भी ऐसा सामान जो सीज हो जाएगा, कोई भी ऐसी कॉमोडिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो भी है वो सीज होने वाली है, जिसका आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और अगर वो सीज हो जाती है तो आप इसको इसके अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी सहमति होनी चाहिए। आप न्यूट्रल स्टेट हो तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो अगेंस्ट द रूल और लॉ है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के, चाहे वो वॉर पे है नहीं है, और अगर वॉर पे है और उसने सीज कर लिया है, तो आप यहाँ पे आपकी सहमति होनी चाहिए कि आपने जो काम किया वो गलत था और वो सीज कर सकता है। चौथा आता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि कोई भी जो कंट्री है जो वॉर पे है, बेलिजरेंट स्टेट्स जो हैं, कोई भी कंट्रीज जो वॉर पे हैं, उनमें से किसी को भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप हमारी टेरिटरी में आके प्रिपरेशन कर लो। तो अगर वो कोई ऐसी प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनकी टेरिटरी में सीज कर लेते हैं, न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में कोई भी ऐसी चीज़ जो वॉर बेलिजरेंट स्टेट्स की कोई चीज़ है उसको सीज कर लिया जाता है, तो ये जो न्यूट्रल स्टेट है ये उसकी ड्यूटी है उसको रिस्टोर कर दे, उसको वापस दे दे उस स्टेट को जिसकी वो है। फिर है रेपरेशन। रेपरेशन का मतलब ये है कि अगर न्यूट्रल स्टेट अपनी कोई भी कंडीशन ब्रीच करेगा, जो ऊपर चार कंडीशन दे रखी है उनमें से कोई भी अगर कंडीशन ब्रीच होती है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसमें एक केस है अल्वाना क्लेम्स आर्बिट्रेशन, 1872 का केस है। इसमें ये हुआ था, अल्वाना एक शिप था, जो शिप जो था वो यूके ने क्या किया, यूके ने पहले डिक्लाइन कर दिया कि वो न्यूट्रल स्टेट है, अमेरिका के नॉर्थन स्टेट और साउथन स्टेट में बेलिजरेंट स्टेट थे, इन दोनों में वॉर चल रहा था, अमेरिका के नॉर्थन स्टेट और साउथन स्टेट में। यूके जो था उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो न्यूट्रल रहेगा इस चीज़ में, लेकिन फिर यूके ने क्या किया, जो अल्वाना एक साउथन स्टेट वालों का जो शिप था उसको, उसमें कुछ फिटिंग या कंस्ट्रक्शन करना था, तो वो फिटिंग और कंस्ट्रक्शन उस यूके ने कर दिया है। तो यहाँ पे यूएसए ने क्लेम करा कि भाई आपने ये जो किया है, आपकी फिटिंग और कंस्ट्रक्शन किया है इसके शिप में, ये आपने गलत किया, आप न्यूट्रल स्टेट थे, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पे फिर बात होती है, तो फिर कोर्ट में केस गया, तो फिर कोर्ट से केस जब आया तो फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो आर्बिट्रेशन वाला केस था उसने ऑर्डर दिया कि आपको 1,55,00,000 रुपये डॉलर्स में पे करने पड़ेंगे अमेरिका को, क्योंकि ये अमेरिका को लॉस हुआ है, आपके आपने जो शिप है बेलिजरेंट स्टेट का, इसमें आपने फिटिंग और कंस्ट्रक्शन में हेल्प करी, तो आप न्यूट्रलिटी आपने वॉयलेट करी है, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर आती है ड्यूटीज ऑफ बेलिजरेंट स्टेट। बेलिजरेंट स्टेट मतलब जो कि युद्ध पे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो वॉर पे हैं, जो भी दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री जो आपस में लड़ाई कर रही हैं वो होती हैं बेलिजरेंट स्टेट। तो उनके क्या ड्यूटी है, तो उनकी भी ड्यूटी है पहली एब्सटेंशन।
एब्सटेंशन का मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कमिट करेंगे जो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में होगा। अगर न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी आ रही है तो उस टेरिटरी में बेलिजरेंट स्टेट कोई भी एक्ट कमिट नहीं करेंगे। दूसरा आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का ये है कि जो एम्बेसडर्स हैं या फिर हाई कमिश्नर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं किसी भी न्यूट्रल स्टेट के हैं तो उनको वो प्रिवेंट करेंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको उनकी जो कंट्रीज है न्यूट्रल स्टेट जो है जिनका जहाँ है वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा। फिर यह एक्विंसेस। एक्विंसेस का मतलब सहमति होता है कि अगर कोई शिप है और एनिमी शिप है तो ये उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप भाई रिपेयर हो लो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो किसी भी एक न्यूट्रल स्टेट में जाके रिपेयर होना चाह रहा है अगर शिप, तो वो ये जो अपना बेलिजरेंट स्टेट है ये कंडीशन ये बोल सकते हैं कि हाँ चलो हम सहमति देते हैं, आप जाके रिपेयर करवा सकते हैं आपके शिप को। फिर आते हैं राइट्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट। अगर कोई न्यूट्रल स्टेट होता है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, तो इसमें यह है कि नो वॉरलाइक एक्ट शुड बी कमिटेड इन द टेरिटरी ऑफ दैट न्यूट्रल स्टेट। अगर कोई भी न्यूट्रल स्टेट है तो उसकी टेरिटरी में कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, कोई वॉर वाला एक्ट कमिट नहीं होना चाहिए। फिर है केबल लाइंस ऑफ सी शैल नॉट बी डैमेज। जो सी होता है मतलब समुद्र में केबल लाइंस होती हैं, केबल लाइंस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी तक एक समुद्र में हर कंट्री अपने टेरिटोरियल जोन में जो होता है उसमें सी में अपनी टेरिटरी होती है तो केबल लाइंस बिछा सकते हैं, तो उन केबल लाइंस को आप डैमेज नहीं कर सकते। जो भी कंट्री वॉर पे होती है न्यूट्रल स्टेट कोई भी केबल लाइन को आप डैमेज नहीं करेंगे। नॉट यूज द एनी टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल स्टेट। अगर कोई न्यूट्रल स्टेट है तो आप उसकी टेरिटरी को यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? कि प्रिपरेशन कर लें आप यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट टेरिटरी में कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन करने के लिए, फिर वॉर लाइक एक्ट करने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। फिर है रूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरी। मतलब ये है कि जो टेरिटरी है न्यूट्रल स्टेट की, ये बेलिजरेंट स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी को, और नॉट वायलेट। और अगर वायलेट होता है, न्यूट्रलिटी अगर वायलेट हो जाती है किसी भी कंट्री की बाय द बेलिजरेंट स्टेट, इफ द बेलिजरेंट स्टेट इज वायलेट द न्यूट्रलिटी ऑफ एनी अदर स्टेट, इफ एनी न्यूट्रल स्टेट, देन द बेलिजरेंट स्टेट हैज टू पे सम कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो कोर्ट में डिसाइड होता है कितना कंपनसेशन देना है। तो अगर कोई भी बेलिजरेंट स्टेट न्यूट्रल स्टेट की जो कंडीशंस होती हैं, न्यूट्रलिटी के जो राइट्स हैं, उनको ब्रीच करता है तो उसमें आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये होती है न्यूट्रलिटी वाले न्यूट्रल स्टेट के राइट्स। अब बात करते हैं हम इसमें न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिटी और न्यूट्रलाइजेशन, तीन वर्ड आए हुए हैं। तो जो न्यूट्रलिटी है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये एक तरह का एटीट्यूड होता है स्टेट का जो इम्पार्शियल रहेगा और वो कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो किसी भी साइड से वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये तो होता है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिज्म का मतलब होता है कि जो कंट्री है वो परमानेंटली डिक्लेयर कर देगा कि भैया मैं तो न्यूट्रल ही रहूंगा हमेशा, मैं कभी भी कोई भी कंट्री वॉर पे हो जाए मैं कभी भी किसी भी कंट्री या कोई भी बेलिजरेंट स्टेट का साथ नहीं दूंगा, तो ये होता है न्यूट्रलिज्म। अब ये हो सकता है कि वो या तो डायरेक्ट वॉलेंट्री बोल दे या फिर कोई ट्रीटी या फिर कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए और उसमें अगर वो साइन कर दे उस ट्रीटी को रेटिफाई कर लेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और फिर आता है थर्ड वर्ड न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब होता है यूज टू डिनोट पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ द स्टेट। ये जनरली बात कर रहा है पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ अ स्टेट। पॉलिटिकल एटीट्यूड मतलब ये है कि जो राजनीतिक स्तर है किसी भी स्टेट का, जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की, उसके बारे में आता है वर्ड न्यूट्रलिज्म। उसमें ये है कि वो ना तो कोई भी किसी भी स्टेट के साथ ना तो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व करेगा। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वॉर जिसमें आप वाय द यूज ऑफ आर्म फोर्सेस आप या फिर आर्म के साथ आप यूज नहीं कर रहे हो, कोई भी हथियारों का यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप बातों ही बातों से और सामने वाले के कुछ एक्ट से उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो होता है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इस जो न्यूट्रल जो ये वर्ड है न्यूट्रलिज्म, इसमें किसी भी स्टेट का इंटरनेशनल लॉ में कोई राइट ना कोई ड्यूटी रहती है, ना कोई सिग्निफिकेंस है इसका इंटरनेशनल लॉ में न्यूट्रलिज्म का। और इंडिया जो है, जैसे इंडिया को अगर न्यूट्रलिज्म रखना है तो यूएसए और यूके की कोई भी मिलिट्री पैक्ट हो रहा है तो उस कन्फ्लिक्ट में इंडिया को कुछ भी नहीं बोलना है, तो ये यहाँ पे न्यूट्रलिज्म होगा इंडिया का। ये एक तरह का पॉलिटिकल एटीट्यूड है किसी भी स्टेट का। न्यूट्रलिज्म जो है वो हमेशा परमानेंट होता है और ये विड्रॉ करना बहुत ईजी नहीं होता, लेकिन न्यूट्रलिटी विड्रॉ हो सकती है। अब बात आती है कि न्यूट्रलिटी कब कमेंस होती है। पहले तो न्यूट्रलिटी जो होती है वो कमेंस होती है कि जैसे किसी भी कंट्री में वॉर शुरू हो जाता है
और वॉर शुरू होने के बाद या तो वो जो न्यूट्रल कंट्री वो खुद डिक्लेयर कर दे कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, या फिर वो जो अदर बेलेजरेंट स्टेट है वो क्लियर करवा लें उनकी इंटेंशन अदर स्टेट की कि आप न्यूट्रल हैं या नहीं है, और ये न्यूट्रल स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो क्लियर करें अपनी इंटेंशन कि वो न्यूट्रल है या नहीं है, वो इम्पार्शल है या नहीं है। फिर बात आती है कि न्यूट्रलिटी एंड कब होती है, तो न्यूट्रलिटी एंड होती है या तो जो न्यूट्रल स्टेट है वो अपनी न्यूट्रलिटी विदड्रॉ कर ले, या फिर जो न्यूट्रल स्टेट है वो खुद वॉर करने लग जाए बेलिजरेंट स्टेट से, या फिर कोई बेलिजरेंट स्टेट है वो न्यूट्रल स्टेट से वॉर करने लग जाए। तो ये तीन सिचुएशन है जिन तीन सिचुएशन में विड्रॉ हो सकती है न्यूट्रलिटी। फिर इसमें जो है बात अलवाना क्लेम्स आर्बिट्रेशन केस, मैंने आपको बताई दिया है कि वो शिप का केस था और 1,55,00,000 रुपए का फाइन लगा था क्योंकि यूके ने न्यूट्रलिटी ब्रीच करी थी यूएसए की। फिर इसमें बात करी है और जो तीन टर्म मैंने आपको बताई दी है न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलिटी, इन तीनों का डिफरेंस भी यही है कि एक पॉलिटिकल वाली बात करता है, एक परमानेंट न्यूट्रलिटी है कि हमेशा हम न्यूट्रल रहेंगे, और एक न्यूट्रलिटी ये है कि वो डिक्लेयर करना पड़ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक न्यूट्रलिटी। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।